Hey, welcome back to my gaming channel Gamers Nation। और आज हम बात करेंगे एक बहुत स्पेशल ट्रिक के बारे में, नॉट मोबाइल गेम के अंदर, जो हमेशा एक न्यू बिगिनर को या एक पुराने प्लेयर को या ऑलरेडी मतलब जिसको नहीं पता है, एक क्वेश्चन रहता है यार भाई जेम्स कैसे, कहाँ से जेम्स आएंगे, पैसा तो मैं खर्च रह रहा हूँ। स्पेशली मैं उसके बारे में बात करूँगा जो पैसा नहीं खर्चते, जो पैसा खर्चते हैं भाई उसमें तो बहुत पैक्स आते हैं, जेम्स खरीदते रहो, इधर जाएंगे मस्त बहुत पैक्स आते हैं जेम्स के, ये तो नहीं लेकिन इसके नीचे और पैक्स है, स्पेशली फॉर जेम्स बहुत सारे पैक आते हैं स्प्लेंडेड, ये सब के अंदर जेम्स मिलते हैं, बट स्पेशल पैक्स आते हैं जो आपको जेम्स देंगे, जैसे तो 15,000 दे रहे हैं आपको जेम्स, ये तो पैसा फेंक के ले सकते हो, बट ऐसे कैसे तरीके हैं जो आपको जेम्स दें। आज वो कम से कम आपसे 10 पॉइंट डिस्कस करूँगा कि कैसे आप थोड़ी मेहनत और बिना पैसा खर्चे जेम्स ले सकते हो। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने खोल के रखा हुआ है, इजी है, ट्रेजर ट्रोव। ये कब खुलता है, जब आप ये आप बना लेते हो ट्रेजर ट्रोव, ठीक है। इसके अंदर क्या है, लेवल 1 से लेके लेवल 9 होता है, ऑब्वियसली सबको पता है। लेवल 1 में शायद 7 दिन का खुलता है, इसके अंदर आपको 3% बेसिक इंटरेस्ट और बोनस इंटरेस्ट मिलता है। जैसे जैसे इसको अपग्रेड करोगे 30 दिन तक जाएगा, आपको मस्त जेम्स देने वाला है, 30 दिन का 85% बेसिक इंटरेस्ट बोस, यानी मैं इसमें 21,000 जेम्स डालूंगा 43 मुझे मिलने, यानी ऑब्वियसली बिना पैसे डाले मुझे 20,000 जेम्स एक महीने पर बढ़ रहे थे। मैं इसको और भी ऊपर ले जा सकता हूँ 60,000 तक, कि मैं 60,000 कमाऊँ जेम्स थोड़े में डाल, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। रिसर्चेज में जाके आपको दो अपग्रेड करनी पड़ती है, एक आर्मी में जाके इसको करना पड़ता है मैक्स पे आउट, मैंने करा नहीं है, मेरा फोकस अभी कहीं और है रिसर्चेज पे, लेकिन आप मैक्स पे आउट का अगर अपग्रेड करोगे तो वहाँ ऑलरेडी आपका है 10,000 और ऐड हो जाएगा, यानी 5,000 यही हो गया, 40 मेरा ऑलरेडी था ही, 50 ही हो गया, मतलब कुछ ऐड करने के बाद मैं ऑलरेडी 1100 पे हूँ, तो ठीक है 9,000 ऐड हो जाएगा। दूसरा आप कर सकते हो इसमें मिलिट्री कमांड मैक्स 2, 5,000 वो भी देता है, ये देखो 5,000 तक ये भी लेके जाएगा, मस्त आपको आराम से 60,000 तक जेम्स आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। ये तो एक तरीका होगा जो मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका है कॉलोसियम, ये सबसे सारे आफ्टर मेरे ख्याल से 9 कैसल के बाद आराम से कॉलोसियम मिल जाता है, मस्त आप कॉलोसियम में जाओ, इसको आप कॉलोसियम पे जैसे जैसे मैंने बताया था मेरी पिछली वीडियो में भी, यहाँ मैं लिस्ट कर दूँगा देख लेना, वो वीडियो रिलेटेड थी किसी और चीज़ के बारे में, टॉप टिप्स ट्रिक्स थी कैसे आप जेम्स, मैं इसमें बता रहा हूँ कैसे अर्न कर सकते हो आप। जैसे जैसे आप लेवल लेके जाओगे ऊपर वैसे वैसे आपको ज़्यादा जेम्स मिलेंगे, 500, 400, 300, ये फ्री तरीका है, बैटल लड़ते रहो जाके और आप जेम्स कमाते रहो। अब बैटल के लिए भी मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, एक टिप्स बता देता हूँ, कौन सा आपको टीम बेस्ट, फ्री टू प्ले बता रहा हूँ, कौन सी टीम बेस्ट सूटेड होती है कॉलोसियम में जो आपको मदद कर सकती है, जैसे रोज नाइट हो गई बेटर प्लेयर है, डीमन स्लेयर हो गया बेटर है, ट्रैकर बढ़िया है, ये ट्रिक्स्टर बढ़िया है, सब इस्तेमाल करते हैं, प्राइमर डाउनर बढ़िया है, और ये भी है ये ब्लैक रो, ये डिसेंट टीम है जो सब इस्तेमाल करता है और हेल्प करती है, बहुत अच्छी टीम है जो आपको एक अच्छा कॉलोसियम जिताने में मदद कर सकती है, ठीक है। तीसरा मैं आपको बताता हूँ जो आपको धीरे धीरे मेहनत करके खुलना पड़ेगा या आपको लेवल 3 पे मिलेगा, वो है आपका जेमिंग ग्रेमलिन, या आपका फेमिलियर है, इसको मैक्स कर लोगे तो आराम से, अभी तो खैर मैंने मैक्स नहीं करा, ये अभी मेरे को 2 दिन में 400-800 जेम देगा, लेकिन ऑब्वियसली फ्री जेम्स है ना भाई, इसको मैं मैक्स कर लूँगा तो मुझे लगता है ये आराम से 1,000 या 1,200 के करीब जेम्स देता है लेवल 10 पे, तो ये भी एक तरीका है जिससे आप आराम से अपने फ्री जेम्स ले सकते हो। चौथा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ भाई, हेलीमेंट्स, बड़ा सिंपल है, हेलीमेंट्स में कोई भी हेलीमेंट जब आप इसको अचीव करते हो तो आराम से आपको 900 जेम्स मिलते हैं, कई बार स्पेशल हेलीमेंट्स आते हैं, स्पेशल हेलीमेंट्स के अंदर क्या होता है 900 की जगह आपको सीधा 2,000 2,500 3,000 जेम्स मिलता है, ध्यान रखना पड़ता है, देखा अभी रिफ्रेश हो गया तो 1900 मिल रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कौन सा आपको जेम्स, कौन सा आपको इवेंट करना है हेल इवेंट के अंदर ताकि आपको आसानी से मिल सके, स्पेशल इवेंट्स का ध्यान रखना है हेल इवेंट के अंदर। पांचवा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मॉन्स्टर हंटिंग, मॉन्स्टर हंटिंग जैसे अभी लेवल 1 पे मारोगे तो शायद मिले ना मिले, ट्राई करके देख लेते हैं, वैसे हमारे यहाँ मॉन्स्टर हंटिंग हम लेवल 1 पे करते नहीं, मैं लेवल 3 पे एक हिट मार के देखता हूँ इंटू 4 करके, या 1 पे ट्राई कर लेता हूँ मैं अभी, टीम मेरे ख्याल से इसको जो टीम जाती है वो आपको जाती है असैसिन टीम जाती है इसको, तो मैंने नाम दे रखा इनको असैसिन टीम, एक हिट में देखे मरेगा, मर गया, कुछ मिला, यूजुअली आपको मिल जाता है, मतलब एक हिट में ऐसे लेवल में भी मिलेगा, लेवल 2 या 3 को मारोगे उसको, मैं कोशिश करके देखता हूँ मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 200x2 या यू नो लाइक 300x2 ऐसे करके मिलते हैं जेम्स, नहीं मिला लेकिन चलो मुझे होल स्टार्स मिल गए, तो यूजुअली एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आपको मॉन्स्टर हंटिंग के थ्रू मिल सकती है, ठीक है। छठा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, गिल्ड गिफ्ट्स,
गिल्ड गिफ्ट के थ्रू भी अगर आप गिल्ड के जो सारे के सारे मॉन्स्टर हंटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके खुद के हंटिंग के अलावा जितने आपके गिल्ड अच्छी मेट्स आपको गिफ्ट देते हैं उससे भी आपको जेम्स मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे इस बार नहीं मिला बट मिलते हैं, आई एम टेलिंग यू, अगर आपने भी कभी नोटिस किया हो गिल्ड गिफ्ट के अंदर हमेशा जेम्स मिलते हैं, 200 300 500 जेम्स मिलेंगे तो फ्री है ना भाई, तो जितने ज़्यादा मॉन्स्टर हंटिंग आपके गिल्ड मेंबर करेंगे भाई उतने ज़्यादा आपको जेम्स ऑब्वियसली मिलने वाले हैं, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सातवां है लैबरिंथ, ये फ्री टू प्ले कहने के लिए क्योंकि जो मॉन्स्टर मारोगे तो थोड़ा जैसे मुझे अभी आपको मैंने पिछले पॉइंट में दिखाया मुझे 200 मिल गया ये क्या बोलते हैं इसका ये होली स्टार्स, तो ये पे जब मैं टू क्लिक करता हूँ जैसे लोग ये विन करते हैं, उसके अलावा जितना भी है जब आपको वो आता है इसका मास्टर आता है क्या बोलते हैं जो भी लीडर आता है उसको जब आप मारते हो तो ऑब्वियसली आपको उसमें 100 200 500 जेम 1000 जेम मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप ले सकते हो। प्लस एक और तरीका है, आठवां तरीका गिल्ड फेस्ट। गिल्ड फेस्ट में क्या होगा भाई, गिल्ड फेस्ट टास्क अचीव करोगे, गिफ्ट्स कलेक्ट करने जाओगे, गिफ्ट कलेक्ट करोगे, देखो इसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि यहाँ से जेम्स ये ले सकते हो 6x2 या ये ले लो ऐसे कहीं ना कहीं गिफ्ट आपको ऑफर करते रहते हैं, लेकिन आपको कलेक्ट करते समय क्या ध्यान देना है इनकी वैल्यू। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये ऑफ चार्ज जा रहा हूँ, ऑफ पीट जा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैं 600x2 ये तो ले लूँ, लेकिन क्या इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू बराबर है, ये कितने का आइटम मिलेगा मेरे को, 11, समझ गए। तो इसको 11 एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 600x1200 जेम्स है ना ये, अब ये कितने का मिलेगा, वैसे पता नहीं मिलता नहीं है, अगर मैं चेस से खरीदने जाऊँ चेस मिलेगी, हाँ तो जूल चेस मिलती है तो नहीं है, मॉन्स्टर चेस नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको लेना पड़ेगा कि आप कौन सा आपको वर्थ है, कौन सा आपको चाहिए, ठीक है, उसी हिसाब से आप जेम लेना। किसकी वैल्यू आप सबकी वैल्यू कैसे चेक कर सकते हो, सिंपल है भाई, यहाँ जाओ जेम्स कितने में बिक रहा है, जितने में वो बिकेगा, जैसे एसटी है 2000 में बिक रहा है, ठीक है। दूसरा एसटी के साथ क्या था, मैं आपको एग्जांपल दिखा मैं ऑफ शर्ट, ये 3x11 मिल रहे हैं, ठीक है, या 500 का एक मिल रहा है, तो 500 का एक कितने का है देखें जरा, जो 500 VIP था ना वो कितने का है, 500 का है, तो यानी वो 2000 महंगा है ना, तो अपन बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो तीन वो है, मतलब आपको वैल्यू चेक करनी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको मिलेगा, तो गिल्ड फेस्ट के थ्रू आप आराम से ले सकते हो। उसके अलावा ये तो मैंने आपको कुछ इवेंट्स बताया जो आपको बहुत इजी है जिसके थ्रू आप आराम से ले सकते हो, इजी तरीका मतलब एक नो लाइक स्टैंडर्ड वे ऑफ टेकिंग जेम्स फ्री आउट ऑफ दिस गेम विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी। लेकिन उसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ बताऊँगा, एक नहीं एक्चुअली दो तीन पॉइंट और बताऊँगा, मैंने आपको ऑलरेडी मेरे ख्याल से 9 या 10 बता दिए, मैं दो तीन पॉइंट और डिस्कस करूँगा जो एक ऑर्थोडॉक्स मतलब एक ऑर्थोडॉक्स हुई नहीं, एक ऑफ पीक चार पॉइंट है जिसके थ्रू आप मिल सकते हैं, आप ऑब्वियसली देर इज अ चांस क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे IGG की लॉर्ड्स मोबाइल की वेबसाइट ढूंढनी है, तो उनके जो पेजेस हैं वो हर दूसरे तीसरे दिन पे हर दिन वो कोई ना कोई कॉन्टेस्ट चलाए रहते हैं, ठीक है। वो कॉन्टेस्ट पे जाना है, अपना IGG कोड डालना है, कॉन्टेस्ट अपना मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना है, और ऑब्वियसली एक नंबर आएगा तो आप जीतोगे। मैं आई कैन टेल यू विद माई ओन एक्सपीरियंस, मैं आराम से नाना करते हुए स्पीड्स और जेम बहुत जीता हूँ वहाँ पे। आपको कॉन्टेस्ट अप्लाई करना है, आपका लकी ड्रॉ में आ गया तो आपको आराम से जेम स्पीड्स सब आ जाती है, तो फ्री तरीका ना भाई जेम्स लेने का, ट्राई क्यों नहीं करते। चौथा एक तरीका और बता आपको, 12वां तरीका और बता देता हूँ जो मोस्टली लोग क्लोज किंगडम्स के लिए नहीं होगा, जो पहले 90-day प्रोटेक्शन में रहते हैं, बट बाकी जो किंगडम्स हैं उनके लिए है, क्या KVK के बाद भाई, KVK के बाद जेम लोड आता है, जेम लोड होता है भाई, गैदरिंग करो, फ्री जेम है, जितना जेम गैदर कर सकते हो करो, मस्त गैदरिंग होगी, फ्री जेम्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, स्पेशल इवेंट्स भी आते हैं जेम लोड के बिना KVK के, जैसे अभी चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आपको बहुत चाह रहा हूँ कि बताऊँ, बहुत सारे तरीके हैं फ्री जेम्स लेने के, एक तरीका मैं बता देता हूँ, ये स्पेशल इवेंट, सॉरी ये नहीं स्पेशल इवेंट जो अभी चल रहा है प्रॉस्पेरिटी वाला, नीचे जाओगे सबसे इसमें क्या लिखा, देखो 10 फरवरी से 13 फरवरी तक गुड फॉर्चून कम्स एट ऑल कॉस्ट, जेम लोड विल बी अपीयरिंग इन किंगडम, 10 तारीख से 13 यानी जेम लोड्स आएंगे भाई, गैदरिंग करो, फ्री जेम्स कमाओ, कोई टेंशन नहीं। तो एक तरीका ये है। लास्ट एंड द लीस्ट प्रोबेबली इज यूट्यूब गिवअवेज, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बिग यूट्यूबर्स हैं, मैं तो अभी इनिशियली स्टार्ट किया हूँ, बट येस ऑफकोर्स मैं भी लिटिल इनिटिव लेकर आऊँगा, इज ऑलवेज कॉन्टेस्ट विच गिव्स जेम्स, आपको पार्टिसिपेट करना है, उनके डिस्कॉर्ड पे जाके ज्वाइन करो, मैं अपना डिस्कॉर्ड बनाऊंगा, आपको शेयर करूंगा, आप उसमें ज्वाइन करो, उनके ऑनलाइन जितने यूट्यूब पे उनके चलते हैं उस पर आप ज्वाइन करके कमा सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली, सो यू पार्टिसिपेट, इफ़ यू विन यू गेट फ्री जेम्स, यू गेट फ्री स्पीड्स, जेम्स मतलब स्पीड्स मिल जाएंगे आपको,
जेम तो कोई एक दूसरे को दे नहीं सकता, उसके बदले कुछ ना कुछ रिसोर्स दे देगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया मिनिमम मेरे ख्याल से 13-14 पॉइंट्स बता दिए बिना पैसे खर्चे। पैसे खर्चने तो ये तरीका मैंने बता दिया, पैसे बिना खर्चे कैसे आप जेम्स ले सकते हो और सेव कर सकते हो। बहुत बढ़िया तरीके हैं, ट्राई इट आउट, इट विल हेल्प यू ऑल आउट। उसके अलावा प्लीज़ अगेन अब 17 सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे, कुछ व्यूज़ भी बढ़ गए, विच आई एम हैप्पी ऑफ, विच आई एम रियली हैप्पी कि चलो कुछ ना कुछ काम चल रहा है, मेहनत रंग ला रही, लोगों को पसंद आ रहा है, फीडबैक मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। आई एम रियली हैप्पी सीइंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ कीप शोइंग योर सपोर्ट थ्रू यू नो लाइक शेयरिंग द वीडियो, सब्सक्राइबिंग एंड शोइंग योर लव एंड गिविंग फीडबैक्स टू मी, कंटिन्यूस फीडबैक्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर सीइंग दिस वीडियो। कुछ भी रहेगा प्लीज़, क्योंकि क्या मोटिवेशन मिलता है अगर कोई मेरे को सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मतलब सो इट्स नॉट मैंडेट, आपको पसंद आएगा तभी कीजिए, बट पॉइंट ये कि इट गिव्स मोटिवेशन, इट गिव्स टाइम कि चलो वी आर डूइंग समथिंग विच इज़ हेल्पिंग आउट द कम्युनिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम फॉर सीइंग दिस वीडियो। प्लीज़